नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। कुर्नी की जंग जारी है, चुनाव प्रचार की कवायद जारी है और महागठबंधन जिसने गोपालगंज से सीख ले ली है, महागठबंधन के नेता कह रहे हैं कि कुर्नी में वैसी गलती नहीं होगी जो गलती गोपालगंज में हुई। दरअसल गोपालगंज में महागठबंधन के अंदर कोऑर्डिनेशन की कमी नजर आ रही थी, साफ साफ नजर आ रही थी। चुनाव प्रचार की अगर बात करें तो महागठबंधन में की तरफ से आरजेडी चुनाव लड़ रही थी, तो वैसे में दूसरे दलों के नेता चुनाव प्रचार को गए ही नहीं, खुद सीएम नीतीश कुमार चुनाव प्रचार को नहीं गए, तो इसे ही मुद्दा बना लिया बीजेपी ने। बीजेपी ने पलटवार किया और कहा कि महागठबंधन के अंदर तो कोऑर्डिनेशन ही नहीं है पार्टियों के बीच में, और कुर्नी में भी ऐसा ही कुछ होगा। कुर्नी तो जेडीयू को दे दिया गया है जो आरजेडी की सीट थी, ऐसे में आरजेडी प्रचार में जाएगी नहीं, तो जो कुर्नी की जंग है जेडीयू के लिए आसान नहीं होगी। लेकिन बाद में जेडीयू की तरफ से जवाब दिया गया, आरजेडी की तरफ से जवाब दिया गया, नेताओं ने कहा कि नीतीश और तेजस्वी मिलकर चुनाव प्रचार करेंगे। हालांकि दोनों के चुनाव का जो संयुक्त प्रचार का अभी समय तो निर्धारित नहीं किया गया है, लेकिन नीतीश कुमार के चुनाव प्रचार में उतरने की तारीख तय कर दी गई है। आपको बताएं कि 2 दिसंबर को नीतीश कुमार कुर्नी जाएंगे। कुर्नी में अपने उम्मीदवार के लिए मनोज कुशवाहा, जो जेडीयू की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए हैं, महागठबंधन के उम्मीदवार बनाए गए हैं, उनके लिए वोट मांगेंगे। ऐसे में जंग जो है और भी दिलचस्प हो जाएगी। हालांकि अभी तेजस्वी का कोई कार्यक्रम सामने नहीं आया है, लेकिन जिस तरह से आरजेडी ने अपने कोटे की सीट जेडीयू को देकर एक मैसेज देने की कोशिश की थी कि महागठबंधन में ऑल इज वेल है और जरूरत के मुताबिक एक दूसरे को सीटें दी जा सकती हैं, तो ऐसे में अब जो कहीं ना कहीं आरजेडी और महागठबंधन के जो ये दोनों नेता हैं, खास करके जेडीयू और आरजेडी के जो नेता हैं यानी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, साथ मंच पर कब आते हैं इसका इंतजार जरूर रहेगा। लेकिन इस बीच बड़ा बयान आया है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा का, क्या कह रहे हैं वो सुनवा देते हैं, आपको सुन लीजिए। महागठबंधन काफी मत से वहाँ चुनाव जीतेगी, सभी लोग हैं, एक चूक हो गई थी गोपालगंज में, वहाँ नहीं होगी। नहीं, कोऑर्डिनेशन का कहीं ना कहीं अभाव रहा होगा, नहीं तो वहाँ भी जीतने में कोई, महागठबंधन को जीतने में कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन हम लोग चुनाव हार गए 1,500 वोट से। तो सुन लिया आपने, मदन मोहन झा कह रहे हैं गोपालगंज वाली गलती यहाँ नहीं करेंगे। मदन मोहन झा स्वीकार कर रहे हैं कि गोपालगंज में कोऑर्डिनेशन की कमी दिखी थी महागठबंधन के अंदर, लेकिन कुर्नी में ऐसा कुछ भी नहीं होगा और कुर्नी में महागठबंधन की जीत तय है, तो दावा कर रहे हैं। महागठबंधन घटक दल के सदस्य हैं, मेंबर हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन मोहन झा, तो दावा तो खैर वो कर रहे हैं, लेकिन कोऑर्डिनेशन नहीं होने की बात भी साथ ही साथ उन्होंने वो स्वीकार भी कर रहे हैं। आपको बताया कि जो पिछला उपचुनाव हुआ था गोपालगंज और मोकामा में, तो गोपालगंज में महज कुछ वोटों के अंतर से आरजेडी की हार हो गई थी, इसमें साफ तौर पर सामने आया। हालांकि इसमें सीधे सीधे तौर पर बताया जा रहा था कि AIMIM फैक्टर की वजह से आरजेडी की हार हुई। AIMIM उम्मीदवार ने लगभग 13,000 वोट झटक लिए, ऐसे में आरजेडी की हार तय हो गई। साथ ही साथ जो मामा साधु यादव हैं, जो बसपा से चुनाव लड़ रही थी, उनकी पत्नी इंदिरा यादव, वो भी 8,000 से ज्यादा वोट ले गए, तो 12,820 से 22,000 वोट जो है कट गए यूं ही, ऐसे में आरजेडी की हार हो गई। लेकिन कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन वाली जो बात सामने आई है, जो महागठबंधन के नेता स्वीकार भी कर रहे हैं, तो कुर्नी में उस कोऑर्डिनेशन की कमी को दूर करने की पूरी कवायद की जा रही है। नीतीश कुमार का कार्यक्रम तय हो गया है, 2 दिसंबर को जाएंगे चुनाव प्रचार करेंगे। हालांकि उस समय ये सफाई भी दी गई थी नीतीश कुमार की तरफ से, जब वो मोकामा और गोपालगंज में नहीं गए थे, तो ऐसे में कहा गया था कि उनकी पेट में चोट लगी है, इस वजह से वो नहीं जा पा रहे हैं, तो ऐसे में ये बातें सामने आई थी। दरअसल मोकामा नहीं जाने की वजह भी सामने आई थी,
दरअसल वहां बाहुबली उम्मीदवार उतरे हुए थे मैदान में, बाहुबली उम्मीदवार थे जो थे अनंत सिंह की पत्नी थी, ऐसे में नीतीश कुमार सीधे तौर पर जाकर प्रचार नहीं करना चाहते थे, ये बातें भी सामने आई थी। तो कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन की कमी जो दिख रही थी, उस कोऑर्डिनेशन की कमी को दूर करने की कोशिश, भरपूर कोशिश कुढ़नी में की जा रही है। अब ये कितना मुकम्मल होगा, क्योंकि अभी तक फिलहाल नीतीश और तेजस्वी के साथ का जो चुनावी प्रोग्राम है वो सामने नहीं आया। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना है, धन्यवाद।